आज की मूवी में देखने वाले हैं हम लोग एक ऐसे कपल की स्टोरी जो कि फार्म हाउस पे जाता है बिल्कुल सल्लू भाई की तरह, और वहाँ पर ये लोग इंटीमेट होते हैं। तो बेसिकली तो ये लोग अपना हनीमून बनाने के लिए आए हुए थे, पर वो हनीमून इनका पूरा बन नहीं पाता क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेज होते हैं कि ये मूवी है वो एक हॉरर स्टोरी में बदल जाती है। ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड हमारे वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता पड़ जाए कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग जेसी और जेराल्ड नाम के कपल को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि ये लोग अपना हनीमून बनाने के लिए अपने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। हमें ये भी पता पड़ता है कि इनको जो शारीरिक संबंध थे एक पति पत्नी के बीच में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, तो ये लोग उसे ही ठीक करने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक डॉग मिलता है जो कि मीट खा रहा था। अब ये लोग उसे इग्नोर करके अपने फार्म हाउस पर ही वापस चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जैसी फ्रिज में से एक मीट निकालते हैं और इसे पकाती है खाने के लिए, साथ साथ कुछ कुत्ते को भी देती है। हम लोग जेराल्ड को देखते हैं जो कि व्याग्रा की गोली खा रहा था। यहाँ हमें पता पड़ता है कि उसके पप्पू में दम नहीं था, इसलिए उनके शारीरिक संबंध थे वो कुछ ठीक नहीं थे। हम देखते हैं ये लोग अपने रूम में जाते हैं और जैसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट ड्रेस पहनती है जेराल्ड के लिए। अब जेराल्ड भी आ जाता है अपना सौदा पानी उठा के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जेराल्ड को जैसी के साथ कुछ एक्सट्रीम करना था, तो वो एक हथकड़ियाँ लाता है और जैसी को डोमिनेंटली इंटीमेट करने की कोशिश करता है। अब जैसी उस चीज़ के लिए नहीं मानती तो जैसी उसे लात मार के पीछे हटा देती है। फिर हम जेराल्ड को देखते हैं जो कि उसे समझाने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ फिर उसे धमका भी देता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं ये बात कहते कहते ही जेराल्ड को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। वहीं पर वो जैसी के ऊपर गिर जाता है। अब जैसी उसे अपने पैर से किसी तरह से हटाने की कोशिश करती है और उसको बेड के नीचे गिरा देती है। अब गिरने के बाद जैसी को लगता है कि जेराल्ड कुछ एक्टिंग कर रहा है, तो वो उसे आवाज़ लगाती है, पर जब जेराल्ड नहीं सुनता तो जैसी देखती है कि उसके सिर से खून निकल रहा है, जिससे हमें पता पड़ता है कि अब जो जेराल्ड है वो मर चुका है। अब जैसी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है। अब क्योंकि ये लोग एक जंगल के बीच में थे तो इसकी हेल्प करने वाला भी इस पूरे जंगल में कोई नहीं था। जैसी बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है। हमें यहाँ पर पता पड़ता है कि अब डायरेक्ट रात हो जाती है और यहाँ हमें पता पड़ता है कि ये लोग अपने घर का पीछे का दरवाज़ा लगाना भूल गए, जिसके कारण एक कुत्ता इनके घर में घुस आता है और वो कुत्ता यहाँ पर जेराल्ड की बॉडी को खाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जैसी किसी तरह से उससे भगा देती है और वो जेराल्ड का एक हाथ निकाल के ले जाता है। तभी हम देखते हैं जेराल्ड को जो कि उठ खड़ा होता है, पर यहाँ हमें पता पड़ता है कि ये जैसी की एक इमेजिनेशन है। हम लोग देखते हैं कि अब जैसी जो होती है उसकी भी एक इमेजिनेशन आ जाती है, यानी कि अब वो एक सपना देखने लगी है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं जैसी का भी अब हाथ उसके अंदर से निकल गया है, पर यहाँ पर ऐसा सच नहीं था क्योंकि जैसी ये सब इमेजिनेशंस में देख रही थी और वो भी अभी बंधी हुई थी क्योंकि उसे खोलने वाला भी कोई भी नहीं था। यहाँ हमें पता पड़ता है कि जो इमेजिनरी जैसी थी वो एक जैसी का पॉजिटिव साइड दिखाती थी और जो जेराल्ड था वो जैसी का नेगेटिव साइड। यहाँ पर जैसी जो थी यानी कि इमेजिनरी जैसी, वो जैसी को तो मोटिवेट करने की कोशिश करती थी, पर जो जेराल्ड था वो जैसी को डीमोटिवेट करता था और वो चाहता था कि वो भी यहीं पर सड़ सड़ के मर जाए जैसे अब जेराल्ड मर चुका था। अब हम देखते हैं जैसी सो जाती है, पर उसकी आंख जब खुलती है तो उसे प्यास लगती है। उसे अपने बेड के ऊपर पानी का ग्लास दिखता है, वो पानी नहीं पी पाती तो अपने एक ब्रा के स्ट्रैप से वो किसी तरह से पानी पीना मैनेज कर लेती है और फिर से उसकी आँख लग जाती है। हम लोग देखते हैं उसकी आँखें खुलती हैं और उसके सामने एक क्रीपी सा आदमी खड़ा था जो कि साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और एक म्यूटेंट था, और उसके हाथ में बैग था जिसमें बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी थी और कुछ अजीब अजीब चीज़ें थी। ये देखकर जो जैसी थी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। अब अगले दिन सुबह उसके रूम में जेराल्ड आता है और वो उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे रूम में कल रात को कौन आया था, और वो उसे बताता है कि वो डेथ है और तुम्हारी आत्मा लेने के लिए आया था। वो उसे दिखाता है उस आदमी के पैर, पर जैसी इस बात को यकीन करने से बिल्कुल ही मना कर देती है, पर जैसे वो पैर देखती है तो बिल्कुल डर जाती है। अब हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जब जैसी छोटी थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि जैसी के जो डैड थे वो हमेशा उसे मोलेस्ट करते रहते थे और जैसी उन्हीं के डर से अपनी मॉम को या फिर अपने किसी रिलेटिव को या फिर पुलिस को भी इस बारे में नहीं बताया करती थी। जैसे को ये सारी बातें याद आती हैं और उसे लगता है कि अब जो प्रेजेंट में उसके साथ हो रहा है वो भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब हम देखते हैं जैसी की आंखें खुलती हैं और जैसी का जो कुत्ता था वो उसके पैरों को खाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसी उसे लात मार के भगा देती है, पर वो कुत्ता किसी तरह से जेरी के पैर पे काट लेता है। अब हम जेराल्ड को देखते हैं जो कि जैसी के रूम में आता है और उसे बताता है कि आने वाले दिनों में तुम्हारी बॉडी में इतनी भी शक्ति नहीं रहेगी कि तुम इस कुत्ते को भगा सको, क्योंकि तुम्हें अभी खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी।
अब ये बात सुनकर शीन जो है वो फिर से शिफ्ट होता है जैसी के ओल्ड डेज में जबकि वो छोटी थी, और शीन शिफ्ट होता है जब जैसी अपने टेबल पे खाना खा रही होती है। हम देखते हैं कि जैसी खाना खा रही होती है क्योंकि वो अभी छोटी होती है, तो वो पानी के गिलास को किसी तरह से फोड़ लेती है और कांच उसके हाथ में चुभ जाता है जिससे कि उसके हाथ में बहुत खून निकलते हैं। अब ये देखकर जैसी को याद आता है कि जो खून होता है वो भी तेल की तरह ही स्लिपरी होता है, और अगर वो ट्राई करे अपने हाथ में खून निकाल के तो वो उस हथकड़ी से निकल सकती है। अब ये आइडिया इमेजिनरी जैसी को भी अच्छा लगता है और वो उसे सजेस्ट ये भी करती है, पर यहाँ पर जो जेराल्ड होता है वो उसे ऐसा करने से डीमोटिवेट करता है, पर जैसी उसकी बात नहीं मानती और पानी के कांच को तोड़ देती है और अपने हाथ को काट लेती है जिससे कि उसके हाथ में बहुत सारा खून निकलता है। और वो ट्राई करती है तो वो अपने हाथ को हथकड़ी से निकाल लेती है, पर उसकी जो हाथ की खाल थी वो भी वहाँ पर निकल जाती है जिसके कारण उसके हाथ से बहुत ही ज़्यादा खून बहता है। अब जैसे किसी तरह से अपने पैर से अपने फ़ोन को उठाने में मैनेज हो जाती है, पर वो देखती है कि फ़ोन में तो बैटरी ही नहीं है। अब जैसे किसी तरह से अपने दूसरे हाथ को भी निकाल के अपने हाथ में पट्टी बांध लेती है जिससे कि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। हम लोग देखते हैं जैसी कार की चाबी उठाने की कोशिश करती है पर वो बेहोश हो जाती है क्योंकि खून बहने की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से उसके अंदर कमजोरी आ गई थी। हम लोग देखते हैं उसी कुत्ते को जो जैसी को खाने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं जैसी चाबी तो उठा लेती है, पर हम उस कुत्ते को देखते हैं जो कि खिड़की से किसी आदमी की तरफ भौंक रहा था। हम लोग देखते हैं ये आदमी वही क्रीपी इंसान था जो कि जैसी के रूम में आ जाता था। अब जैसी उसी आदमी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम सच नहीं हो। वो ये कहती उसके पास जाती है और अपनी वेडिंग रिंग उसके उस बैग में डाल देती है और वहाँ से अपनी कार को लेके चली जाती है। अब जैसी को फिर से बेहोशी की हालत में थी और वो फिर से अपनी कार को एक एक्सीडेंट में टकरा देती है और वो बेहोश हो जाती है। वो अभी भी मरी नहीं थी। इस एक्सीडेंट की आवाज़ से पड़ोसी आते हैं और जैसी की जान बचा लेते हैं। अब जैसी की आँख खुलते हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अब जो जैसी थी वो ठीक हो चुकी थी। उसके हाथ में पट्टियाँ लगी हुई थी, वो अब फाइनली वो बिल्कुल ठीक थी। हम लोग देखते हैं जैसी की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अच्छी चल रही थी क्योंकि जेराल्ड के जो इंश्योरेंस के पैसे थे वो जैसी को अब मिल चुके थे। अब जैसी इस पैसे को एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है जिससे कि उसके हर महीने पैसे आते रहे, और साथ ही साथ वो एक चैरिटी भी खोलती है। जो लड़की मोलेस्ट हुआ करती थी उन लड़कियों के लिए वो एक चैरिटी खोलती है। हम लोग देखते हैं जैसी रोज रात को जैसी के रूम में वो आदमी आता था, क्रीपी आदमी जिसे देखकर जो जैसी थी वो डरा करती थी। अब क्योंकि वो आदमी जैसी के सपनों में डेली आ रहा था तो जैसी भी उसके बारे में पढ़ने की बातें सोचती है। तो वो अखबार में एक दिन पढ़ती है कि रेमंड नाम के आदमी के बारे में जिसने कि अपनी बहन के हस्बैंड को ही मार दिया था और उसका पूरा सिर काट दिया था। हम देखते हैं कि उस आदमी ने वो अपनी बहन के पति की जो डेड बॉडी थी उसको भी पुलिस के हवाले नहीं होने दिया था। उसने उसे ऐसी जगह छिपाया था और उसने पुलिस को उस बारे में कितनी बार उसने पूछा पर उन्होंने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया। हम लोग देखते हैं कि ये आदमी सचमुच बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसी ने जो रिंग उसे दी थी वो रिंग भी उन्हें पुलिस वालों को नहीं मिली थी। अब एक दिन हम देखते हैं वही क्रीपी आदमी को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब यह आदमी जैसी के सामने कहता है कि तुम रियल नहीं हो, और ये वही वर्ड्स थे जो जैसी ने इससे उस रात कहे थे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर जाकर देखना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।